सत श्री अकाल बाबा जी। सत श्री अकाल जी। तो बाबा जी से आज जैसे कि हमने टाइम लिया है, हमारे व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि आज बाबा जी का टाइम बहुत कीमती हो गया है, तो 3-4 वीडियो में बाबा जी भी मशरूफ थे, तो इसकी वजह से हम बाबा जी के साथ वीडियो नहीं बना पाए। तो बाबा जी आगे बाबा जी से आपकी बात करवाते हैं, तो बाबा जी खुद बताएंगे क्या कहाँ मशरूफ थे। जी बाबा जी। पहले सारे सत श्री अकाल, जी बाबा जी। और एक हर एक छोटे बड़े को सत श्री अकाल। मैं श्रीनगर गया था थोड़े अपने बिजनेस के टूर में। जी हाँ, इस तो वजह से मतलब 10-15 दिन हो गए मैं घर से बाहर ही था। जी तो बाबा जी खैरियत है जी। बाकी कुछ मैसेज भी आए थे जी, बाबा जी ठीक है, सेहत ठीक है, ऊपर वाले का शुक्र है जी। तो बाबा जी आज आपने ये थोड़ा सा करें, कैमरा भाई इधर करें जल्द भाई, तो मिट्टी जी बाबा जी किस खासियत के लिए डलवाई है, और क्या अब इस मिट्टी का होने जा रहा है ये भी हमारे व्यूअर्स को बताएं, और उसके फायदे और जो हमारे सील मुर्गों के लिए जो फायदे हैं इस मिट्टी के वो भी बताएं। देखिए, सबसे पहले जो बात है कि मुर्गों को चंडी नहीं पड़ेगी, नरम सब प्योर अच्छी मिट्टी डाली हमने, ये जी चेक कराइए, बहुत इसमें एक कंकर भी नहीं होगा। जी ये मिट्टी के डल्ले हैं जी, जैसे पंजाबी में डल्ले कहते हैं जी, वो अभी हो जाएंगे पानी मार के, तो ये बाकी बराबर जी आप उधर भी देखिए, सब आस्ता सा पूरा बराबर करूंगा। ये आसानी होती है मुर्गों को घूमने के लिए, जी बड़े मुर्गों के लिए पैर में चंडी नहीं पड़ती है। जो आम लोग कह रहे हैं कि चंडी पड़ती है पत्थरों से या किसी वजह से कंकर लग जाता है, इस जी वजह से चंडी पड़ जाती है। ये आप जिसने भी शो करना है प्रॉपर मिट्टी डाली, अच्छी मिट्टी डाली। तो बाकी बाबा जी अपने जानवरों का शो करवाने लगे हैं, जी, जो पट्ठा एक हमने दिखाऊंगा, तकरीबन जी आगे जब भाई वो 18 साइज का है, आपने पहले भी देखा था, पूरा नंगा पंगा था, बिल्कुल नंगा था। जी आज उसका मैं शो कराऊंगा, जी बहुत जो बढ़िया बनाया है। जी तो बाबा जी जो आपके व्यूअर्स हैं वो भी 23,000 हो चुके हैं सब्सक्राइबर, तो उनके लिए भी 4 वोट, क्योंकि वो भी बोल रहे होंगे। और एक सिमरन भाई ने प्रॉमिस किया, जो मुर्गा निकला के देना है, जो पर्ची निकालनी है, वो भी आप डेट एक अनाउंस कर दें जो हम अपने दर्शकों को बता सकें। जिस टाइम ही मेरे को टाइम लगता है मैं पर्ची निकालूंगा पक्का, हर एक आदमी का देख कर वो नाम हर जी एक दिखाकर उसके बाद ही पर्ची निकालेंगे। जी तो अब ये बाबा जी 2 मिनट तक हमें टाइम दीजिए, तो हम आप अब आप शो करवाइए हमें अपना जानवर। जी, तो ये ये बाबा जी देखिए, ले आए जी, बाबा जी शो करवाएंगे बेस्ट असील जो यहाँ इंडिया में पूरे वो बाबा जी के पास है, हमें तो यही लगता है जी। बाकी लोग कमेंट करके बताएं जी, जो हमें लगता है जी बेस्ट असील, देखें जी कैसे ये वो पट्ठा घूम रहे है, हैं अभी जी। 8-9 महीने का पट्ठा है, जल्द भाई थोड़ा मैं बोलता हूँ क्लोज करें, एक बार ही अपने शो करवाते हैं जानवर सीने के में एक से बार। है। ये बिल्कुल नंगा था, जब आप देखा ही होगा बचपन से, इसकी नलियां चेक करवाएं जावेद भाई एक बार, सफेद रंग नोक नली का जानवर है, बिल्कुल नहीं जी, सीने में से सफेद है। सफेद है, तो ऊपर से देखेंगे लाल सुर्ख जानवर है, कलर देखेंगे कितना खूबसूरत है। बाकी बाबा जी इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे जी। बाबा जी इसका साइज, साइज 18 तकरीबन, जी 18 साइज का जानवर है। जी तो इसकी कद काठी देखेंगे, इसमें इसकी आंखें बताएं एक बार इसकी जानवर माँ की, 16 साइज की है। क्लोज करेंगे आंखें इसकी, देखेंगे क्या खूबसूरत आंखें जानवरों की। ये चीने में से है, जी बाबा जी घर का जानवर है, घर का ही, घर का। जी तो हाँ, बड़ा आ जाओ। खूबसूरत जानवर है ये जी। तो बाकी बाबा जी इसकी खासियत बताते हैं आपको, बाबा जी कौन सी नस्ल का जानवर है ये ये। ताज में है, जी, कितने महीने का बाबा जी। ये तीन 9 महीने का होगा, 8-9 महीने का, इतना ही है, बच्चा है अभी। बस 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 जो बाबा जी इसकी खासियत है ये बताएं जी, इसका रहन आपने कैसे रखा है, इतना तगड़ा जानवर है, हाइट देखिए, जिस देखने तरह को। मैं आम हर एक मुर्गे को रखता हूँ इसी तरह रखा है। जी इसकी माया जो है बहुत हाइट वाली है, जी तो उसी वजह से ये खुद भी हाइट में निकला है। माँ इसकी 16 साइज की है। बाबा जी कितने भाई बहन हैं। ये तकरीबन एक भाई और बहन थी, बहन तो कुत्ते नु खा बाहर निकल गई, तो एक ही बच्चा था, ये जी एक ही है। ये देखें जी जानवर खुश है जी, और जानवर का रंग एक बार जावेद भाई, ये बहुत कम जानवर होते हैं ऐसे रंगों के, जो मिक्स कलर है वो है ये जानवर। ये देखिए आप बाबा जी इसका कितना साइज है अठारह जानवर साइज का। 18 साइज का होगा जी ये बाबा जी मुझे लगता है बेस्ट फॉर्म असील इंडिया ये आपका जानवर है जी, मुझे लगता है ये आपके जानवर बड़े ही खूबसूरत है, लोगों के कमेंट भी आते हैं। बाकी देखिए, प्योर असील में आते हैं जी, ये इसको इंसान का देखो जो खिलाता है ना, देखिए आप, जी ये मेरी आवाज पहचानते हैं जी, और किसी की आवाज के पीछे नहीं जाएंगे। जी आप भी ट्राई करते होंगे चुटकी पर, जी
ये जो मेरी घर की जो मतलब अपने है ना बचपन से देखे, मेरे को जब देखेंगे बांग मारने शुरू कर देते। बाबा जी एक बार चुटकी मार के हमें बताएं जी, ये देखें जी कमाल देखें जी जानवर का, बाबा जी के इशारों पे ये समझ जाते हैं कि बाबा जी आ चुके हैं या बाबा जी कहीं गए होते हैं, तब भी ये उदास रहेंगे अगर मैं नहीं मिलूंगा, एक टाइम अगर नहीं जाऊँगा शाम सुबह तो उदास रहते हैं। तो बाबा जी इनकी खुराक जो है जी सर्दियों की लगा दी आपने? जी जी लगा दी है जी। बादाम तो तकरीबन खाते हैं जी, देखो गुस्से में आए, इसको अगर हाथ लगाओगे गुस्से में है बहुत, इसने बहुत दिन के बाद मेरे को देखा, इस वजह से ये कहते हैं कहाँ थे आप जी। बाबा जी भी मशहूर थे, जानवर भी पूछ रहे हैं। आ बच्चे आ जा, ये देखिए बाबा जी एक बार चुटकी मार के बताएं। भैया आ जा बच्चे, देखें प्यार देखें आप। हाँ मेरा पुत्र, जानवर को पता है ये सारा मेरा बच्चा, ये बच्चे की तरह रखते हैं, ये बच्चा ही है देख। तो बाबा जी इनको शाम को डेली खुराक? बिल्कुल, सुबह देता हूँ, अभी इनको ज्यादा बादाम नहीं, दो दो तीन तीन बादाम देता हूँ, खुराक कोई नहीं देता हूँ। उसकी वजह बाबा जी? गर्म हो जाएंगे फिर जी, जानवर ज्यादा गर्म होना भी प्रॉब्लम है। हाँ क्योंकि हम फाइट कराते नहीं है इनको, अगर गर्म करेंगे फाइट फिर ये फाइट मांग। जी बाबा जी लास्ट के चार वर्ड आपसे पूछेंगे क्योंकि हमारी मोबाइल की मेमोरी भी फुल हो गई है, और बाबा जी से दो चार लास्ट वर्ड पूछेंगे अपने व्यूअर्स के लिए, हमारे लोगों के लिए सब। तो आगे जो बच्चों को ज्ञान देते हैं बाबा जी, वो कैसे वीडियो आया करेगी, डेली आया करेगी, सब बातें बाबा जी। जब मेरे को टाइम मिलता है मैं वीडियो बनाता हूँ जी। उसके बाद हर एक को सत श्री अकाल, लाइक एंड शेयर कीजिए, और इस पट्ठे के बारे मेरे को कमेंट्स कीजिए कैसा बताइए, नस्ल कैसा लगा, जानवर कैसा लगा, कद काठी आपने देख ली है, और कोई और भी बात पूछनी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बाबा जी आपसे लेते हैं इजाज़त, तो आपको अब हम मिलते रहेंगे दो तीन दिन के बाद, अब वीडियो आती रहेगी, बाबा जी आ गए हैं, तो बाकी थैंक्स सबका, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।